जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बालाजी प्रकाशन की जो मैथ है ना, उसका चैप्टर 18 लेकर आया हूं, जिसका नाम आप सब लोग जान सकते हैं कि जिसका नाम है घन घनाभ तथा लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या है? घन घनाभ तथा लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अपन को इस क्वेश्चन में क्या करने के लिए सीखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ अभी 18.1 एक्सरसाइज में जिन सूत्रों का उपयोग होना है सिर्फ उनके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि इसमें यूज होगा बच्चा घन और घनाभ का, तो पहले मैं आपको घनाभ के बारे बताऊंगा और उसके सूत्रों के बारे बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको घन के बारे बताऊंगा, फिर इसके बाद अपन क्या हल करेंगे, सवालों को क्या करेंगे, चुटकियों में उड़ा देंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, क्यों ना बैठ तक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था सर, कमेंट किया किसी बच्चे ने, कह रहा वो मंजिल नहीं मंजिल होती है और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ ठीक है भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, शायद हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। कोई वर्ड अपना अगर गलत बोलते हैं तो जरूर उसका एक एक वर्ड गलत बोलने से उसका पूरा ही अर्थ बदल जाता है, उसका कहना बिल्कुल सत्य बच्चे का। ठीक है बच्चा, तो अपन को क्या करना है, अपन को सूत्रों को हल करना। देखो कैसे, जैसे कि लिखा आपको मैंने ये एक बना दिया, क्या बच्चा आप सबको भी ये क्या है, देखो इसको कहते हैं अपन घनाभ। क्या कहते हैं बच्चा? घनाभ। इसको क्या कहते हैं अपन? घनाभ। अब आपको भैया घनाभ, अब हमें तो पता नहीं घनाभ कहाँ से आया, तो मैं आप सबको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ बच्चा। जैसे कि आयत होता है ना, तो देखो ऐसे मैंने एक आयत बनाया, तो ये है आयत। अब इससे एक आयत और बना दो इसके अंदर, ठीक है बना दिया। अब इनकी भुजाओं को मिला दो, जैसे तुम इनको मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चा? घनाभ। क्या बन गया बच्चा? घनाभ। जैसे कि माचिक, माचिक जो होती है आपके पास वो घनाव आकृति के रूप में रहती है। कैसी रहती है? घनाव आकृति के रूप में रहती है। बस तो इस कहने का मतलब ये है कि जो आयत होता है अपना, आयत से क्या बनता है? घनाव बनता है। अगर हम दो आयतों को एक उसके अंदर बना के उसको मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है बच्चा? घनाव बन जाता है। अब बात कर लेते हैं, देखो यहाँ से ये इधर तक की देख रही जी, इसको बच्चा अपन लंबाई कह सकते हैं, ये देख रही इसको, इसको अपन चौड़ाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चा? ब्रेथ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, और जो ऊपर जो जाती है जे वाई लाइन, इसको अपन क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। देखो अच्छे समझ बच्चा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन लंबाई कहते हैं, जे वाली दूरी को चौड़ाई कहते हैं, और ऊपर जो जाती है उसको अपन ऊंचाई कहते हैं। इंग्लिश में इसे ब्रेथ, इसे लेंथ, तो इसे हाइट कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है किसकी? भुजाएं। देखो भुजाएं की बात कह दे तो भी 12 होते, और किनारे कहे तो भी 12 होते। कहने का मतलब जो भुजाएं और किनारा मतलब एक ही बात होती है। ठीक है, भुजाएं भी 12 होंगी और किनारे अगर आपसे पूछा तो आप भी क्या कहोगे? 12। जैसे कि इनके जी क्या होते? 12। अब शीर्ष की बात कर ले, शीर्ष का मतलब होता कोने, शीर्ष को अपन क्या कहते हैं? कोने भी कहते हैं। जैसे कि एक एक जहां पर तीनों बिंदु आके मिल रहा है वो एक कोना कहलाएगा। एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, तो जी आपके आठ क्या हो गए बच्चा? तो आप सबको ही आठ कोने हुए। अब कह रहा आयताकार समतल क्षेत्र, तो समतल का भी मतलब होता है समतल और सतह, बात एक ही होती बच्चा। समतल का मतलब जो आयताकार अपना होता है उसके छह समतल क्षेत्र मिलेंगे। देखो आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक ठीक है दर्जे, दो तीन चार पाँच, कितने हो गए? पाँच। और देखो जी एक अंदर का कर दिया मैंने, इसके सामने भी रहेगा जी, तो इससे कितने छह हो गए? नहीं समझिए आप, देखो पहले का मतलब देखो, एक जी इसके अंदर, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे की आयताकार भी है, मैं ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, तो एक इधर है ठीक है, और एक इसके पीछे होगा, दो हो गए, एक ऊपर होगा, एक इसके कहाँ होगा? नीचे होगा। एक इधर होगा तो एक इधर होगा, तो इसीलिए कितने हो जाते बच्चा? छह हो जाते। कितने हो जाते? आयताकार। छह आयताकार सतह मिलकर, कहने का मतलब घनाभ का निर्माण करती है छह आयताकार सतह। ठीक है, तो आयताकार सतह आपको पता चल गया छह। अब इसमें जो विकर्ण होते ना बच्चा, विकर्ण कितने होते? चार होते। विकर्ण कितने होते बच्चा? चार होते, क्योंकि देखो एक स्कुन्नी से डेड डेड डेस करके देखो इधर को आएगा, एक डेड 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 डेस करके इधर को जाएगा, एक स्कुन्नी से जाएगा और एक स्कुन्नी से जाएगा। ठीक है, इसलिए कितने विकर्ण डलते हैं इसमें? चार। कितने डलते हैं बच्चा? चार। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है डायग्राम समझने तो आप मुझे जरूर कमेंट करें बच्चा, क्योंकि अपन को ये चीज़ अगर समझ में अच्छे से आ गई ना तो सवाल तो बहुत आसान होते हैं। मैंने होता डायग्राम, रेखागणित में होता मेन डायग्राम, कि डायग्राम से हमको फॉर्मूलों को समझना, क्यों इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों लिख रहे हैं। ठीक बच्चा, ये चीज आ गई आपको सब, विकर्ण चार हुए। अब बात कर लेते हैं
कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घनाभ होता है अगर उसको अपन का क्षेत्रफल निकालना, तो इसे लिखते टू कोष में एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल, कहने का लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। मतलब जे इसका सूत्र हुआ। जे भी कैसे आया, तो कहने का मतलब जो अपने तीन जो छह क्या है सतह है, क्या बच्चा छह सतह है, तो छह सतह में अपन को क्या मिलेगी, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, दो बार लंबाई गुणा चौड़ाई मिलेगी, दो बार लंबाई गुणा ऊंचाई मिलेगी, लंबाई गुणा ऊंचाई और दो बार क्या मिलेगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो ये देखो दो दो बार मिलेगा, तो इसको दो एल बी लिखेंगे, देखो जे दो बार मिलेगा इसे दो एल एच लिखेंगे, जे दो बार मिलेगा दो एल बी एच सॉरी इसको दो बी एच लिखेंगे। अब इसमें देखो दो एक साथ है इसीलिए कॉमन ले लिया, तो जैसे तुम दो को कॉमन लोगे तो एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल इसको क्या कर देंगे लिख देंगे, और ये फॉर्मूले का निर्माण हो गया। तो आपको अगर ये चीज़ तो हमको समझ में नहीं है, आपने एल बी दो बार कैसे लिख दिया बच्चा, देखना जैसे कि जी मान लो नीचे वाला मैं ले लेता हूँ, कह लेता हूँ बच्चा नीचे वाला, नीचे वाला तो देखो नीचे वाले ऊंचाई तो ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लंबाई और गुणा चौड़ाई होगी, ऊपर वाले में लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। अब मैं इस सीरीज की बात करूंगा तो इसमें लंबाई भी रहेगी और क्या रहेगी चौड़ाई की जगह ऊंचाई आ जाएगी, क्या रहेगी ऊंचाई, फिर मैं इधर बात करूंगा तो चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है बच्चा। तो इसकी बात करूंगा तो इधर लूंगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, और जब इस वाले इस साइड का अगर लूंगा तो देखो जो चौड़ाई हो और ऊंचाई, इसीलिए देखो दो बार लंबाई और चौड़ाई और जे हो गया, ठीक है बच्चा, इसीलिए जे हुआ। फिर भी कोई दिक्कत है तो भाई आपके साथ खड़ा है, आपकी हर प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है बच्चा। अब बात करता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो कुछ नहीं करना, बस घनाभ के विकर्ण की लंबाई तो पूछे तो तुम लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बच्चा प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर दो, तुम्हें विकर्ण पता चल जाएगा, ठीक है बच्चा। अब आता है घनाभ की भुजाओं की लंबाई, अब मान लो जो घनाभ की जो अपनी भुजाएं हैं, क्या है बच्चा भुजाएं, अगर उनकी लंबाई निकालनी, क्या निकालनी लंबाई, तो वो कैसे निकालेंगे, अब वो बात कर रहा है, कहने का मतलब जी एल है मतलब भुजाओं की लंबाई, इसका समझ रहा है, इसका मतलब है परिमाप, क्या है मतलब परिमाप, कहने का मतलब चार बार लंबाई होगी, चार बार चौड़ाई होगी, चार बार ऊंचाई होगी। देखो वो कैसे होगी, देखो एक ऊंचाई दो ऊंचाई तीन ऊंचाई इस साइड चार ऊंचाई, अब लंबाई एक ऊंचाई एक लंबाई दो लंबाई इस साइड तीन लंबाई इस साइड चार लंबाई, चौड़ाई एक चौड़ाई दो चौड़ाई तीन चौड़ाई चार चौड़ाई, इसीलिए बच्चा इसको चार को कॉमन ले लो, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई के इसको लिख दिया, यानी घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई का मतलब है कि परिमाप, सभी यानी घनाभ का परिमाप, घनाभ का परिमाप भी इसे कह सकते हैं बच्चा, क्या कह सकते हैं घनाभ का परिमाप, परिमाप क्या बच्चा परिमाप भी इसको हम कह सकते हैं। तो कहना है चार कोष्ठ में एल प्लस के बी प्लस के एच। अब बात कर लेते हैं इसके घनाभ के पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बात कर लेते हैं घनाभ के घनाभ का पार्श्व का बच्चा पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो वो क्या होता है बच्चा, देखो उसे अपन कैसे डिसाइड करेंगे, देखो जैसा अपन जो नीचे का दे रहा है नीचे का, देखो जी तो ये दे रहा है, तो जो 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 अपना घनाव रहता है जो सतह को छू रहा हो, क्या कर रहा हो बच्चा सतह को, तो वो क्या होता है अपना पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्र, यानी सतह का अपन को क्या निकालना क्षेत्रफल निकालना, क्या सतह का, तो उसमें कुछ नहीं करते, बस सिर्फ अपन आधार का परिमाप लेते हैं, आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप क्या होता है टू कोष्ठ में लंबाई गुणा के चौड़ाई, क्या होगा बच्चा टू कोष्ठ में लंबाई प्लस के चौड़ाई, क्या होगा टू कोष्ठ में लंबाई प्लस के चौड़ाई। मैं आपसे कहूंगा अगर आधार है तो आधार पे क्या होगा बच्चा पर आयत हो गया, अब आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो आप सबको ये टू कोष्ठ में लंबाई प्लस के चौड़ाई उसका क्या कहलाता है परिमाप कहलाता है। बस मैंने कहा कुछ नहीं करना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आधार का परिमाप और उसमें गुणा ऊंचाई से करा दो, किससे गुणा ऊंचाई से कर दो बच्चा, आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको मैंने किसके बारे में दी बच्चा घनाभ के बारे में दी, किसके बारे में दी घनाभ के बारे में। अब इसी प्रकार अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उसको क्या करूंगा अच्छे से समझाऊंगा। अब चलते अपन किसकी ओर बच्चा, और इसके जो भी सूत्र बकाया और रहेंगे टेंशन नहीं करो, जिस एक्सरसाइज में यूज होंगे उसको मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, अब चलते हैं घन की ओर, ठीक। अब बच्चा अपन बात करेंगे घन की, कि घन क्या चीज़ होता है उसके बारे में जानेंगे, पर घनाभ के बारे में बहुत अच्छे सीखे, इतने में शिल्पा बोलने लगी भैया मैं बताऊं घन क्या होता है, मैंने कहा शिल्पा बिल्कुल बता सकती हो तुम घन क्या होता है, कह रही भैया घन मैं बताऊं, मैंने कहा बताओ ना, कह रही बता दूं, मैंने कहा बता दे बगली, कह रही भैया जैसे कि आयत से घनाभ बना, क्या बना आयत से घनाभ, मैंने कहा ठीक है बेटा, तो कह रही भैया वर्ग से घन नहीं बन सकता है, मैंने कहा वाह तुमने दिमाग तो सही लगाया पगली, बिल्कुल उसने सही कहा कि अपन जैसे आयत से घनाभ बनता है वैसे वर्ग से घन बनता है, क्या बनता है वर्ग से घन बनता है, क्या बनता है बच्चा घन बनता है। देखो समझते हैं बड़ी घन को क्या चीज होती, देखो इसको कहते हैं बच्चा घन, क्या कहते हैं घन, घन देखो वर्ग से बनता है बच्चा, किससे वर्ग से, जैसे अपन एक वर्ग ले लिया उसके अंदर एक वर्ग और बना दो और उसकी भुजाओं को आपस में ऐसे मिला दो, देखो इसको कहते हैं बच्चा घन। जैसे कि आपने लूडो तो बहुत खेला हुआ, वो गाना भी आया था घर पे लूडो खेलूंगी बोला दिल भी दे दूंगी, गाना आया था ना, तो वही लूडो की बात कर रहे हैं, उसमें गोटी रहती ना उस पर लिखे हुए ऐसे करके ऐसे फेंक देते, मामा कंस भी खेल रहे थे,
ठीक है बच्चा। तो ये वही गोटी होती है जो घन के आकार की, बच्चा किसके आकार की होती है, घन, ठीक है, जिसे लूडो में यूज किया जाता है। ठीक है बच्चा, अब बात कर लेते घन को समझने की। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम आयती की घन, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन है, बस घन में जैसे बर की सभी भुजाएं बराबर रहती हैं, वैसे ही तो घन की सभी भुजाएं बराबर रहेंगी। देखो ऐसे जो व्यक्ति जिससे मिलकर बनता है उसके गुणों तो उसमें पाए जाते हैं, जैसे अपन में अपने माता पिता के थोड़े बहुत गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे ही जो घन रहता है ना तो उसमें भी बर के गुण पाए जाते हैं, कुछ पाए जाते हैं, जैसे कि सभी भुजाएं समान, ये वाला गुण पाया जाता है। तो इसका क्या होगा बच्चा, सही भुजाएं इसमें भी क्या होती है, बराबर होती है। सही भुजाएं क्या होती है बच्चा, बराबर। अब जो घन में कुल सतह, तो घन की कुल भुजाएं सतह, जैसे आयत बोला था, जैसे क्या बोलते हैं अपन आयत क्षेत्र, तो आयत क्षेत्र कितने थे, सतह छह, तो इसमें भी कितनी रहेंगी, छह ही रहेंगे। घन में किनारे कितने रहेंगे, बारह भुजाएं, किनारे की बात हो तो इसमें भी बारह रहेंगे बच्चा, ठीक है। अब कर लेते घन में कोने, तो कोने मैंने आपको गिनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोने इसमें भी है तो उसमें भी रहेंगे, बात बराबर है। अब घन में उसमें भी विकर्ण 4 थे तो इसमें भी विकर्ण क्या रहेंगे, 4। बस इसकी कंडीशन होती है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है बच्चा वो तीनों में बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में क्या रहती है, बराबर, क्योंकि सभी भुजाएं कैसी रहती है, एक सी रहती है, इसी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मतलब नहीं रहता है, सब भुजाएं एक सी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं जी हुए बच्चा अपना, अब बात करते हैं क्या कहते हैं बच्चा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर कैसे होता, तो आप सब बच्चे जानते हो, क्या जानते हो बच्चा, देखो कैसे, जैसे कि आप उसका सूत्र होता है 2 LB + KBH + KHL, जो होता कि नहीं होता, तो मैंने कहा इसका क्या होगा, इसकी सभी भुजाएं एक सूत्र, तो 2 इसकी लंबाई चौड़ाई सब एक ही से, तो ये गुणा ये लिख लेते, प्लस ये गुणा ये लिख लेंगे, प्लस ये गुणा ये, सभी इसकी सभी भुजाएं क्या रहे बच्चा, समान रहती है, इसीलिए 2 ये स्क्वायर जुड़ के कितने हो जाएंगे बच्चा, 3A² गुणा होगा कितने हो जाएंगे, 6A², तो जो बच्चा 6 लिखा गुणा लिखा, ए स्क्वायर का मतलब होता है बच्चा भुजा स्क्वायर, ठीक है बच्चा, इसलिए ये सूत्र ऐसे आ चुका है, ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं घन के विकर्ण किसके बच्चा, घन के विकर्ण की, घन के विकर्ण की लंबाई √3 भुजा क्यों लिखा, उसकी मैं आपको बताऊँ दोस्त, आपको उसका आपने क्या लिखा था भैया, तो आपको हमने L² + KB² + KH² लिखा, जब उसकी भुजा विकर्ण की भुजा निकाल लो, तो मैंने कहा इसकी सही भुजाएं एक सी होती है, तो ये क्या होगा A² + KA² + KA² मैंने जुड़े सभी जुड़ जाएंगे, A² 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 तो कितना हो जाएगा आपका √3 A² मैंने कहा तो A² तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, कॉमन आ जाएगा, शिल्पा खुश हो गई, तो कह रही इसे लिखेंगे √3 A, तो देखो √3 लिखा और ये का मतलब क्या, भुजा है, ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते किसकी, घन की सभी भुजाओं की लंबाई, भाई साहब इसकी भुजाएं कितनी होती है, आप कहोगे 12 होती हैं, तो मैंने कहा 12 भुजाएं होती है, तो आप इसे ऐसे लिखोगे 1 × 1 सभी भुजाएं इसकी कैसी होती है, 1 से 12 बार लिखोगे नहीं लिखोगे, तो 12 बार लिखो जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगी 12 A, तो मैंने 12 लिखा, ये का मतलब क्या होता बच्चा, भुजा, तो वही तो मैंने लिखा, और कोई वाली बात नहीं है। अब घन का पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर कैसे आया, तो देखो उसको अपन कैसे डिफाइंड करेंगे, जैसे कि आप घन का पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता, देखो घन आपका क्या होता 2 L + KB × H, जी होता क्या नहीं, अब देखो 2 तो रहेगा ही, देखो लंबाई और चौड़ाई सभी इसकी क्या होती एक सी रहती है, और गुणा ए, तो मैंने इन सबको जोड़ा, तो आप क्या होगा ये हो जाएगा जी गुणा होगा, तो जुड़ के कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो आपको गुणा जुड़ के हो जाएंगे 2A × A, तो मैंने कहा 2 × 2 = 4A, और ये क्या हो जाएगा A², इसीलिए 4 गुणा इसको भुजा स्क्वायर लिखा। तो इस प्रकार से क्या हो बच्चा, ये चारों सूत्र मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिए, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, डाउट आता, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, घर वाली बात है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक नेक्स्ट वो पॉइंट, अगर जो अपनी लंबाई, ये लंबाई है अपनी, और बी फॉर चौड़ाई, ये ब्रेथ जैसे कहते हैं, और हाइट जैसे ऊंचाई कहते हैं बच्चा, अगर इनकी जो मात्रक, जैसे कि इसका सेंटीमीटर में हो बच्चा, और इसका कायम हो मीटर में हो, और इसका कायम हो मिलीमीटर में हो, अगर ये बच्चा ऐसी जो यूनिट हैं जो इनके मात्रक हैं, अगर ये अलग अलग दिए हैं, तो ये सवाल हल नहीं होगा तब तक जब तक इनकी जो इकाइयाँ क्या नहीं करेंगे हम समान नहीं करेंगे, तब तक ये सवाल हल नहीं करोगे, अगर हल भी करोगे तो आंसर गलत माना जाएगा, तुम ला ही नहीं पाओगे बच्चा आंसर कभी। तो सबसे पहले तुमने क्या करना है, या तो सेंटीमीटर में सबको बना लो, या तो मीटर मीटर में सबको बना लो, या तो मिलीमीटर में सबको बना लो, बस ये देखो कि वो आंसर कहाँ में पूछ रहा है, अगर नहीं पूछ रहा है तो आप अपने मन से सेंटीमीटर में कर लो चाहे मिलीमीटर में कर सकते हो, जब नहीं पूछ रहा हो तो, ठीक है बच्चा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब बस अपन चलेंगे कहाँ, प्रश्नों की ओर। तो आप इन सूत्रों को अच्छे समझें, और जितना आप अच्छे समझोगे सवाल उतने अच्छे आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें और ऐसे प्यार करते रहें, और लाइक शेयर और
कमेंट वगैरह करती ना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है, वीडियो कौन सा खराब लगता है, आप मुझे बताएं, तो मैं उसमें सुधार करूंगा, जो अच्छा लगता है उसे और अच्छे करने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।